हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल STA करियर पे। जैसा कि आपको पता है, राइट नाउ हम लोग कर रहे हैं कन्वेंट ट्रायंगल्स, जिसमें कि कर रहे हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज। लास्ट वीडियो में आपने देखा क्या देखा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। अब इसका एक अपोजिट चीज भी है, कुछ अपोजिट है क्या है, वहां सम की बात करे थे, यहां करेंगे बात डिफरेंस की। वो ग्रेटर था, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर, जस्ट अपोजिट केस बन गया। मींस दैट हम इस सेशन में क्या करने जा रहे हैं, जी हाँ, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। ओके, चलते हैं देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। देखिएगा क्या स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले तो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल का एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड हुआ, और ये अपना तीसरा साइड है। ठीक है भाई, हमने कंसीडर कर लिया कि एक ट्रायंगल है। अच्छा एक और चीज, जस्ट वेट 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 वेट, थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट होगी थोड़ा सा साइज बड़ा होने की। We have the triangle A, B, C, और इन विच वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, और कुछ तो देने रखा, इन विच वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट, तीन चीजें प्रूफ करनी है। मतलब तीन क्या, मतलब प्रूफ तो एक ही चीज करनी है, क्या क्या, कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, अब देखो फिगर में दिख रहा है ना कि AC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन AB होना चाहिए, तो ये हम लिख लेंगे, तो AC माइनस AB ये क्या होगा, स्मॉलर देन किससे, BC। मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट, स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। क्लियर है मेरी बात, तो AC माइनस AB स्मॉलर देन BC। सिमिलरली BC माइनस AB इज स्मॉलर देन AC, एंड थर्ड क्या बच गया, BC माइनस AC इज स्मॉलर देन AB। ये तीन इनइक्वालिटीज हो गई, मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड। अब देखो सिंपल सी बात, तो क्या करेंगे, वहां एक्सटेंड करे थे, यहां मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर कर लिया कि भैया लेट इफ पॉसिबल व्हाट AC इज ग्रेटर देन, या फिर AB इज स्मॉलर देन AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB हमने मान लिया। अब मान लिया तो हम क्या करेंगे, जब AB से वो ग्रेटर है तो हम एक पॉइंट लेंगे इस पर AC पे, नहीं सच दैट, तो इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर दे, ध्यान से मेरी बात सुनो, B से इसको ज्वाइन कर दे, तो ये इस तरह समझ कि AD इक्वल्स टू किसके है, AB के। तो टेक और मार्क जो भी आपको लिखना है, टेक अ पॉइंट D ऑन कहा, ऑन AC such that AD is equal to AB and join कर दीजिए किसको, BD को, join BD को हमने क्या कर लिया, join कर लिया। क्लियर है मेरी बात, तो जैसे ही अगर आप देखोगे बाबू प्रूफ वाले सेक्शन में, आपके पास है ट्रायंगल नया वाला, कौन सा देखोगे, तो AB D, और इसमें एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्या कंस्ट्रक्शन से आपने क्या करा, AD इक्वल्स टू AB कर दिया, ध्यान से एक बार, तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इसके, बोलो हाँ कि ना, मेरी बात ध्यान समझोगे, तो इस ट्रायंगल ABD में क्या है आपके पास, सिंस AD इक्वल्स टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, बोलो हाँ कि ना, और इट इज गिवन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हमको पता है,
सो वी कैन से एडी के अपोजिट जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, सो एंगल क्या है, एबी के अपोजिट है, वो क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू व्हाट, इक्वल साइड्स ट्रायंगल में तो हम लोग काम कर ही रहे, तो इक्वल ट्रायंगल की बात करी जाएगी। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे यूज होने वाला ध्यान से। तो एबी क्या हो गया, एंगल एबीडी इक्वल्स टू एंगल एडीबी के इक्वल आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है, जस्ट वेट, इक्वल आ रहा है। चलो बाबू यहां देखो, तो क्या है, जब एबीडी इक्वल्स टू एडीबी हमें मिल गया, अब एडीबी को जरा देखो, तो एंगल एडीबी को देखोगे तो किस ट्रायंगल के लिए, ध्यान से मेरी बात समझना, अगेन इन ट्रायंगल अगर आप देखोगे ध्यान से, बीसीडी को देखो, बीसीडी को नहीं, अच्छा एक चीज तो क्लियर हो रहा है ना कि अगर बीसी को हम प्रूव कर ले कि बड़ा है डीसी से, मेरी बात समझो, बीसी ग्रेटर देन डीसी, मतलब डीसी स्मॉलर देन बीसी, तो डीसी को क्या आप कह सकते हो एसी माइनस एडी, और एडी किसके इक्वल है, एबी के, तो एसी माइनस एबी हो जाएगा, स्मॉलर देन बीसी हो जाए, नहीं हो जाएगा, तो यही काम करना है। एक्चुअली हमें क्या करना है, डीसी को स्मॉलर प्रूफ करना है बीसी से, मतलब तो बीसी के सामने वाला एंगल कौन हो जाएगा, डीसी को अगर वेरीफाई करना है बीसी से स्मॉलर, तो डीसी के सामने वाला एंगल, सॉरी बीसी के सामने वाला एंगल बीडीसी, इसको ग्रेटर प्रूफ करना होगा एंगल डीबीसी से, दाल भात चोखा से, हा? तो वही काम करना है। तो सारे लेंथ को उस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो इन ट्रायंगल बीसीडी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, सिंस जो साइड है कौन सीडी इज प्रोड्यूस्ड टू, प्रोड्यूस्ड टू ए, देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर यू कैन से कि एंगल एडीबी, एडीबी डायरेक्टली लिख ले, क्या हो जाएगा, एंगल डीबीसी से ग्रेटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे भाई डायरेक्ट भी तो आप लिख सकते हो ना, चलो लिख लो, ये दोनों इक्वल किसके हो जाएगा, एडीबी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डीबीसी प्लस एंगल बीसीडी के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके ये हो गया आपका। तो आप ये कह सकते हो ना कि एंगल एडीबी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल डीबीसी से, ठीक है, डीबीसी से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, इसमें कोई तकलीफ। अच्छा एडीबी किसके इक्वल था, एबीडी के, एबीडी के, तो आप ये कह सकते हो यहां पर कि एंगल ए बी डी ग्रेटर किसके हो गया, एंगल डीबीसी के, ठीक है, अरे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कह सकता हूं कि, या फिर कह सकते हो कि सिंस एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एडीबी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इच्छा हो लिखने के लिख लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ठीक है, कोई तकलीफ है इसमें, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल था और ये एंगल इस एंगल के कंपैरिजन में क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, मतलब ये एंगल जब ग्रेटर हो गया तो ये इसके इक्वल है एबीडी के, तो एबीडी भी डीबीसी से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ये तो हो गया हमारा काम। चलिए अब आगे देखते हैं, ये लेकिन एक चीज है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं है। अब एक और ट्रायंगल देखेंगे एबीडी, क्या एबी, अब एबीडी में जरा देखिएगा, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझ, नेक्स्ट पेज चलते हैं, नेक्स्ट पेज चले या फिर यहीं पर निपटा ले, यहीं पर निपटाने कोशिश करते हैं, देखिए फिर देखिएगा, अगेन इन ट्रायंगल, नेक्स्ट पेज ही चलते हैं बाबू, यहां पे कुछ सही नहीं लग रहा, नेक्स्ट पेज चलते हैं, इसको यहां से कॉपी करें, आगे पेस्ट करें, ट्रायंगल आगे थोड़ा सा कट करके
इसको थोड़ा वाइप कर दिए। ओके डन। हमने क्या कहा, अब दूसरा जो ट्रायंगल है आपके पास वो क्या है, अगेन इन ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, एबीडी। देखिए तो जरा इस ट्रायंगल एबीडी में आपको कुछ दिख रहा है, जो साइड एडी है ना, साइड एडी इज प्रोड्यूस टू सी, इज प्रोड्यूस टू सी। फिर आप क्या कह सकते हो, देयर फोर जो एंगल अब एक्सटीरियर बन रहा है कौन, बी डी सी, जे इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके दैट मीन्स यू कैन से कि एंगल बी डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, बोलो हाँ कि ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, क्लियर है। और जरा देखो यहां पर हमने क्या यहां ले रखा था इक्वेशन 2 में, एंगल ए बी डी इज ग्रेटर देन डी बी सी, और यहां क्या आ गया आपको एंगल, सॉरी ठीक तो एंगल एबीडी ग्रेटर देन एंगल डीबीसी, और यहां क्या आ रहा है आपको एंगल बीडीसी इज ग्रेटर देन एंगल एबीडी, मतलब यहां बीडीसी क्या है, ग्रेटर है एबीडी से, और एबीडी किससे ग्रेटर है, डीबीसी से। सो यू कैन से फाइनली व्हाट, देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, व्हाट डू वी गेट, जरा बताओ मुझे क्या मिला आपको, एंगल बीडीसी ग्रेटर, देखो एंगल बीडीसी किससे ग्रेटर है, एबीडी से, और एबीडी किससे ग्रेटर है, डीबीसी से। तो आप लिख सकते हो यहां पर एंगल डीबीसी। तो अब कहां चले आओगे, नाउ सीधा चले आओ इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में आपके पास क्या है, सिंस एंगल बीडीसी इज ग्रेटर देन एंगल डीबीसी, इसका क्लियर सा मीनिंग क्या है, क्या है कि भैया एंगल जो डीबीसी है, या फिर एक और चीज लिखी लो यार, बीडीसी जब ग्रेटर क्या है, एंगल बीडीसी जब ग्रेटर है किसे, डीबीसी से, इसका मतलब हो गया कि बीडीसी के सामने वाला साइड कौन है, बीसी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा एंगल डीबीसी के सामने वाला साइड डीसी से, होगा क्या, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज व्हाट, लॉन्गर, या आप लिख लीजिए इन ब्रैकेट। अब मेरी बात समझिए, अच्छा आप इसको इक्वेशन फोर लेकर के आप इसको यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हो जाएगा, जब बीसी ग्रेटर है डीसी से, इसका क्लियर सा मतलब हो गया कि डीसी इज स्मॉलर देन बीसी, डीसी इज स्मॉलर देन बीसी, और जब डीसी स्मॉलर हो गया बाबू बीसी से, तो क्या डीसी को आप एसी माइनस एडी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, एसी माइनस एडी ये स्मॉलर हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा किससे, बीसी से, किससे, बीसी से, क्लियर है मेरी बात। तो जब ये हो गया तो एडी किसके इक्वल है, एडी, देयरफॉर कह सकते हो आप एसी माइनस ए बी स्मॉलर देन बीसी, स्मॉलर देन बीसी, हो गया, प्रूफ हो गया। सिमिलरली सिमिलरली जो बाकी दो थे, मतलब कि बीसी माइनस एसी स्मॉलर देन ए बी एंड बीसी माइनस ए बी स्मॉलर देन एसी, इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो आप लास्टली लिख लीजिए कि हेंस क्या, इन अ ट्रायंगल, ऐसे लिखिए, हेंस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
इज स्मॉलर देन इट्स थर्ड साइड, इट्स थर्ड साइड। क्लियर है मेरी बात है? दो साइड का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से स्मॉलर होगा, और दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम देना कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए किस कोई ट्रायंगल है जिसका दो साइड 3 सेंटीमीटर एंड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड का क्या होगा लेंथ, जो थर्ड साइड होगा, मेरी बात समझिएगा, थर्ड साइड क्या होगा, थर्ड साइड ग्रेटर होगा किससे, दोनों साइड के डिफरेंस से 5 - 3 से, और स्मॉलर होगा दोनों साइड के सम से 3 + 5 से। मींस दैट 2 से ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड और स्मॉलर होना चाहिए कितना, 2.1 से लेकर के 7.999 तक आप ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते हैं थर्ड साइड का मेजर। क्लियर है मेरी बात? ये ध्यान देना है। तो इसी चीज के लिए इसके ही कर सकते हो कि यूज के लिए इस चीज को वेरीफाई करा गया है, ठीक है। एक और आपका अगर कहिएगा तो हम बता देंगे, बना देंगे, वो क्या है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू इट्स थर्ड साइड। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।